गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है चैप्टर 10 का केला बनाना। क्या है? केला बनाना। देखिएगा, वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम होता है इसका मूसा पेराडिसिया का होता है, ठीक है। कुल की बात करें तो कुल होता है म्यूजेसी। कुल कौन सा होता है? म्यूजेसी। उत्पत्ति स्थान होता है भारत। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है इसका? भारत। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं इसमें 233। गुणसूत्र कितने होते हैं? 233 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर। फिर एक खानयोग्य भाग देखिएगा। खानयोग्य भाग में मध्य व अंत फल वृत्ति। खानयोग्य भाग कौन सा होता है? मध्य व अंत फल वृत्ति। फल का प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रूट, तो वो होता है सरस। क्या होता है? सरस। सरस को अन्य नाम बोलते हैं बेरी। सरस का अन्य नाम क्या होता है? बेरी होता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, वितरण से पहले आपको ये लाइन अलग से लिखनी है। ये वितरण से पहले आपको ये लाइन अलग से लिखनी है कि केले का जो वास्तविक जो तना होता है, केले का वास्तविक तना होता है वो क्या कहलाता है? स्यूडो स्टेम। क्या कहलाता है? स्यूडो स्टेम कहलाता है। स्यूडो स्टेम एक प्रकार क्या होता है? राइजोबियम प्रकार का होता है। स्यूडो स्टेम क्या होता है? एक प्रकार का राइजोबियम का पार्टी होता है। क्लियर। अब बात करें अपन वितरण की, बात करें किसकी? वितरण की। यह आपके क्वेश्चन भी है कि केले का वास्तविक तना क्या कहलाता है? स्यूडो स्टेम। क्या कहलाता है? स्यूडो स्टेम कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, अब वितरण में देखिएगा, केला उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फलों में सर्वाधिक फल उत्पादन इसी फल का होता है। फलों में जो सर्वाधिक फल का उत्पादन होता है वो किसका होता है? केले का होता है। भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन होता है जो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कौन पे होता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक केला उत्पादन उदयपुर, डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक केला उत्पादन क्या होता है? उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा। यहाँ पे आप एक बांसवाड़ा भी लिख देना, बांसवाड़ा। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व का सबसे पुराना फल कौन सा है? केला, ठीक है। आदिम जमाने का फल बोलते हैं केले को। केले को कदली फल भी कहा जाता है। आपको पहले लिखवा रखा जनरल एग्रीकल्चर में। तो देखिएगा फिर, केले का फल कौन सा होता है? क्लाइमेट्रिक। इम्पोर्टेंट, केले का फल कौन सा होता है? क्लाइमेट्रिक फल होता है। फिर देखिएगा, केले के पुष्पकर्म को स्पेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेडिक्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केले का पुष्प क्या कहलाता है? स्पेडिक्स कहलाता है। फिर देखिएगा आगे, केले का पौधा जीवन में एक ही बार फल देता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, अब तो नहीं पूछता, पहले पूछता था कि ऐसा कौन सा फल वृक्ष जो जीवन में एक बार फल देता है, तो वो अपने कौन सा है? केला होता है। अब बात करें उपयोग व महत्व की। उपयोग व महत्व, यूज एंड इम्पोर्टेंस। तो इसमें देखिएगा, केले का उपयोग फल के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में किया जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, केला शीघ्र ऊर्जा प्रदान करने वाला फल होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो केले में 36% होता है, लेकिन ये शीघ्र ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। कौन सा? केला। औद्योगिक स्तर पर चॉकलेट व चिप्स बनाई जाती है। मतलब उद्योगों में अगर केले की बात करें तो चॉकलेट व चिप्स बनाने का काम आता है। अब बात करें जलवायु की, तो देखिएगा, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। किसका है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसकी खेती के लिए औसतन तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। इसकी खेती के लिए जो औसतन तापमान होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बात करें मृदा की, इसकी खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है? तो देखिएगा, गहरी उपजाऊ दोमट मृदा जो लंबे समय तक
मृदा नमी, जो लंबे समय तक मृदा नमी बनाए रखे वह मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तथा इसके पीएच की बात करें, पीएच की बात करें तो पीएच होता है 6.5 से 7.5 के मध्य होता है। क्लियर। अब बात करें किस्मों की, बात करें किस्में कि केले की कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो देखिएगा सब्जी के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है, इसमें देखिएगा पुवन है, बसरई है, हरीछाल है, नेंद्राण है। कौन सी है? पुवन, बसरई, हरीछाल व नेंद्राण, ये क्या है? सब्जी के लिए उपयुक्त किस्में होती हैं। अब बात करें फलों के लिए उपयुक्त किस्में, फलों के लिए उपयुक्त किस्में तो वो देखिएगा लाल केला, सफ़ेद वेलची, रसतली। लाल केला, सफ़ेद वेलची, रसतली, रोबस्टा, वीरूपक्षी। जो वीरू है ना, यहाँ पे वीरूपक्षी करना है इसको, वीरूपक्षी, वीरूपक्षी होता है। तो वीरूपक्षी और पूसा ड्वार्फ, तो पूसा ड्वार्फ, ठीक है ये। अब बात करें कि केले का प्रोदन किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिएगा केले का प्रवर्धन सकर्ष के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? सकर्ष के द्वारा किया जाता है। केले के प्रवर्धन के लिए दो प्रकार के सकर्ष काम में लिए जाते हैं। कितने प्रकार के सकर्ष काम लिए जाते हैं? दो प्रकार के सकर्ष काम में लिए जाते हैं। देखिएगा पहला है तलवार सकर्ष, क्या बोलते हैं इसको? तलवार सकर्ष, इसको बोलते हैं तलवार, तलवार को स्वॉर्ड सकर्ष, SWARD, स्वॉर्ड सकर्ष। देखिएगा इस सकर्ष की पत्तियां लंबी व तलवार के समान, इस सकर्ष की पत्तियां लंबी व तलवार के समान नुकीली व पतली होती हैं। देख लिया कि इस सकर्ष की जो पत्तियां होती है वो लंबी व तलवार के समान नुकीली व पतली होती है। इस सकर्ष से पौधा 11 माह में तैयार हो जाता है। कितने माह में तैयार हो जाता है? 11 माह में तैयार हो जाता है और फल देना प्रारंभ कर देता है। फिर देखिएगा सकर्ष के रूप में ली गई पत्तियों की आयु, सकर्ष के रूप में ली गई पत्तियों की आयु 3 से 4 माह पुरानी होनी चाहिए। कितने माह होनी चाहिए? 3 से 4 माह, ठीक है। तो बस केली की पत्ती है, तो अपन देखते हैं कि जो मर्दा का जो ऊपरी पार्ट है उस ऊपरी पार्ट से तने से पार्ट से निकलती हैं, उसी को अपन अलग काम में ले लेते हैं। पुरानी होनी चाहिए। तथा एक सकर्ष का वजन, तथा एक सकर्ष का वजन है जो 500 से 750 ग्राम, एक सकर्ष का वजन कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। अब बात करें चौड़ी पत्ती वाली सकर्ष, दूसरा कौन सा है? चौड़ी पत्ती वाला सकर्ष है, चौड़ी पत्ती वाले सकर्ष। देखिएगा ये सकर्ष कमज़ोर होते हैं, क्या होते हैं? ये सकर्ष कमज़ोर होते हैं तथा इनके द्वारा पौधा धीमी गति से वृद्धि करता है। इस सकर्ष से पौधा तैयार होने में 15 से 18 माह लग जाते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले सकर्ष से पौधा तैयार होने में कितने समय लगता है? 15 से 18 माह लग जाते हैं। अब बात करें पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा भी इसका प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। मैंने लिखवाया था पहले कि केले के विषाणु रहित पौधे उत्तक संवर्धन से तैयार किए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे केले के प्रवर्धन के लिए यह विधि आधुनिक विधि है, केले के प्रवर्धन के लिए यह विधि आधुनिक विधि है। इस विधि द्वारा एक साथ अधिक संख्या में विषाणु रहित पौधे, जीवाणु है ना, ये जीवाणु, इसको विषाणु का लेना, विषाणु, जीवाणु से क्या करोगे? विषाणु। एक साथ अधिक संख्या में विषाणु रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। ये लड़की ने पहले लिख रखा था, वो जीवाणु लिख दिया विषाणु की जगह। तो कौन से होता है? विषाणु रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। सर्वाधिक G9 का प्रयोग किया जाता है। केले की एक किस्म है G9, केले की कौन सी किस्म है? G9 है, जो मैंने ऊपर नहीं लिखवाई, ठीक है। इस किस्म का सर्वाधिक जो प्रवर्धन होता है वो उत्तक संवर्धन के द्वारा किया जाता है। अब बात करें पौधे लगाने की विधि, पौधे लगाने की विधि, तो देखिएगा केले के पौधे लगाने के लिए, केले के
पौधे लगाने के लिए 1.5 x 1.5 मीटर की दूरी पर, केले के पौधे लगाने के लिए 1.5 x 1.5 मीटर की दूरी पर 45 x 45 x 45 सेमी आकार के गड्ढे, 1.5 x 1.5 मीटर की दूरी पर 45 x 45 x सेमी के आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं। ठीक है, इन गड्ढों में 15 से 20 kg गोबरी खाद, इन गड्ढों में 15 से 20 kg गोबरी खाद या वर्मी कंपोस्ट 50 से 100 kg डाला जाता है, या 50 से 100 ग्राम, जो केजी है ना, ये केजी, इसको ग्राम करना, क्योंकि इसकी मादा क्यूनालपोस किस मिली जाती है, ग्राम में। ठीक है, तो 50 से 100 ग्राम क्यूनालपोस डाला जाता है। इन गड्ढों में जुलाई माह की प्रथम वर्षा में, इन गड्ढों में जुलाई माह के प्रथम वर्ष में, प्रथम वर्ष कौन सा है, प्रथम वर्षा है, यहाँ पे वर्ष की संख्या है प्रथम वर्षा, प्रथम वर्षा में शकरस लगा देना चाहिए। अब बात करें खाद एवं उर्वरक की, खाद एवं उर्वरक की, तो देखिए खाद एवं उर्वरक में प्रति पौधा 10 से 15 kg, 10 से 15, ये 10 से 10 × 15 है ना, 10 से 15 है, प्रति पौधा 10 से 15 kg गोबरी खाद, 450 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम सुपरफास्फेट, 250 ग्राम MOP को प्रति पौधे में डाला जाता है। गोबरी खाद को 3 बराबर भागों में बांटकर दिया जाता है, तथा यूरिया की मात्रा को 3 से 4 भागों में तथा यूरिया की मात्रा को 3 से 4 भागों में बांट कर दिया जाता है, क्योंकि एक साथ नाइट्रोजन देने पर नाइट्रोजन का क्या होता है, हाँ, मतलब नुकसान होता है। ठीक है, इसके बाद में अपना अध्ययन करेंगे कल सिंचाई के बारे में, किसके बारे में अध्ययन करेंगे, सिंचाई के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है।